नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और गैंगें बनने लगी हैं अब तो। जी हां, सागर में बिच्छू गैंग का आतंक है। कटरबाजी और तोड़फोड़ से परेशान लोग शिकायत करने पहुंचे हैं। जी हां, बड़ी खबर है। सागर में कोतवाली और मोती नगर क्षेत्र में कटरबाज गैंग सक्रिय हो गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। नशे में धुत बिच्छू गैंग के कटरबाज पुरब्याऊ रानीपुरा काकागंज क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। वे आए दिन लोगों से मारपीट, छेड़छाड़ और तोड़फोड़ जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये काफ़ी चिंताजनक बात है। सागर में इस तरीके की गैंग पनपने लगी है। एक दिन पहले पद्माशन पुरब्याऊ क्षेत्र में घर के सामने खड़े चार पहिया वाहन में तोड़फोड़ की थी। बदमाशों के आतंक से परेशान वार्डों के रहवासियों ने सीएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। हम आपको बता दें कि शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने कहा है कि कुछ बदमाशों ने बिच्छू गैंग नाम की गैंग बना रखी है और इस गैंग के युवाओं की टोली क्षेत्र में उत्पात मचाती है। शराबखोरी, हथियारबाजी, कटरबाजी और महिलाओं से छेड़छाड़, लूटपाट करने जैसी वारदातें करती है। इससे क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। बेटियों और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। गोवर्धन रेखवार ने बताया कि कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़े तब। रात के समय क्षेत्र में पुलिस गश्त भी बढ़ाई जाना चाहिए। इस दौरान वनवासी मौजूद रहे। हम आपको बता दें, लगातार ऐसी घटनाएं अब सागर में आम हो चली है, जो कि चिंताजनक है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और पूरी प्लानिंग के साथ इस गैंग को पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो भविष्य में सागर में ऐसी और भी गैंगें पनप सकती हैं। सुनिए क्या कहना है लोगों का और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज। बिच्छू गैंग है कोई, बापुरी, पुरब्याऊ, रानीपुरा, काकागंज, पंद्रह तरफ बहुत आतंक मचा है। आज उनके लाने निकलना मुश्किल है। खुलेआम दारूखोरी हो रही है, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। अभी परसों की घटना है, एक पुरब्याऊ पर एक गाड़ी खड़ी थी उमेश रेखवार की, उन्होंने उसको फटरा से पटका।